मूवी स्टार्ट होती है एक सावा नाम के लड़के से जो कि जंगलों के बीच में बने एक गांव में रहता था। रात के टाइम उसकी मॉम उसे एक स्टोरी सुनाती है कि कैसे बहुत साल पहले यहां पर एक वाइट वुल्फ्स का ग्रुप रहता था जो कि इंसानों से बहुत ज्यादा प्यार करता था और इसी वजह से वो उनके गांव को प्रोटेक्ट भी करते थे। पर एक दिन वहां पर एक जादूगर आया और उसने इन सारे वाइट वुल्फ्स को कर्ज कर दिया और ये उसके बाद रिकीज में चेंज हो गए। रिकीज इंसानों की तरह के कुछ अजीब से क्रिएचर्स थे जो कि इंसानों को अपना दुश्मन मानते थे और जब तक एक वॉरियर इनको इस कर्ज से आजाद नहीं करेगा ये ऐसे ही भटकते रहेंगे। इससे पहले कि सावा की मॉम अपनी स्टोरी कंप्लीट करती उनके गांव पे कुछ हाइनास अटैक कर देते हैं। सावा को बचाने के लिए उसकी मॉम उसे एक बंकर में छुपा देती है और यहाँ पर हाइनास का लीडर आता है और उसकी मॉम को यहाँ से लेकर चला जाता है। पता चलता है कि हाइनास सारे लोगों को जमा कर रहे हैं ताकि वो एक की कुंड तक इन लोगों को पहुंचा दे। उनको कुछ गुलामों की जरूरत थी। सावा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है जिसके बाद वो अपनी मॉम को बचाने के लिए बाहर निकलता है। वो अपनी वुडन सॉर्ड पकड़ता है और बाहर आ जाता है पर यहाँ पर हाइनास उसे देख लेते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। यहाँ पर सावा भागते भागते जंगल में चला जाता है पर थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो हाइनास उसे घेर लेते हैं। अचानक से एक वुल्फ की आवाज आती है जिससे डरकर हाइनास नीचे खाई में गिर जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर सावा के सामने एक व्हाइट वुल्फ सामने खड़ा होता है। सावा तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसकी मॉम ने उसे जो स्टोरी बताई थी वो सच निकली। यहाँ पर वो व्हाइट वुल्फ सावा को बताता है कि उसका नाम एंगी है और उससे पूछता है कि वो अपने गांव से दूर यहाँ पर क्या कर रहा है। सावा उसे बताता है कि कैसे हाइनास ने उसके गांव पे हमला कर दिया, फिर पूछता है कि अब व्हाइट वुल्फ उनके गांव को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते, जिसके बाद वो बताता है कि कैसे अब वो एक अकेला व्हाइट वुल्फ बचा है। एंगी सावा से कहता है पर मैं किसी को जानता हूँ जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है। वो उसे दूर एक माउंटेन दिखाता है और बताता है कि वहाँ पर एक जादूगर रहता है और वहाँ पर एक ऐसा वॉरियर भी है जो कि उसकी मदद कर सकता है। एंगी खुद भी उसी के पास जा रहा था पर वहाँ तक जाना आसान नहीं था क्योंकि रास्ते में मंकी क्वीन रहती थी जो कि तीन सरों वाली एक मंकी थी और उसे भी ये कर्ज उसी जादूगर ने दिया था, जिसके बाद उस क्वीन ने वहाँ तक जाने के सारे रास्तों को बंद कर दिया था ताकि उस जादूगर तक कोई भी ना जा सके। अब ये दोनों सफर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में इनको एक पिंक क्रीचर नजर आता है जो कि इनको बताता है कि मैं एक प्रिंस हूँ पर उसी जादूगर के कर्ज की वजह से मैं ऐसे पिंक सा क्रीचर बन गया हूँ और फिर साथ कहता है कि मुझे भी तुम लोग अपने साथ ले जाओ ताकि मैं जादूगर तक पहुँचूँ और इस कर्ज को खत्म कर दूँ। थोड़ी ही देर के बाद इनको एक इंसान के चिल्लाने की आवाज आती है इनको कुछ मंकीज बहुत तंग कर रहे थे। यहाँ पर ये व्हाइट वुल्फ उसे बचाता है और पता चलता है कि ये इंसान नहीं बल्कि आधा इंसान और आधा जानवर है। यहाँ पर ये अगली क्रीचर अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो भी एक प्रिंस है और वो बहुत ज्यादा हैंडसम हुआ करता था, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा लड़कियाँ उससे शादी करने के लिए आपस में लड़ती थी। पर एक दिन एक विच के प्यार को उसने ठुकरा दिया, जिसके बाद उसने उसे कर्ज करके ऐसे अजीब सा अगली बना दिया और एक मच्छर किंग को उसके साथ छोड़ दिया। ये मच्छर किंग उसके साथ तब तक रहेगा जब तक ये दोनों एक बात पर एग्री ना कर ले और इन दोनों की तो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल जीरो थी। आज तक इन्होंने किसी भी बात पर एग्री नहीं किया और ऐसे ही साथ रहे हैं। इसके बाद ये अगली क्रीचर भी इनसे कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी जादूगर के पास जाना चाहता हूँ ताकि वो इस कर्ज को किसी तरीके से तोड़ सके। दूसरी तरफ उस मंकी क्वीन को पता चल जाता है कि ये लोग उस जादूगर तक जाना चाहते हैं, जिसके बाद वो कुछ स्पाइस इनके पीछे लगा देती है। अब रात होती है तो सावा की अचानक से आंख खुलती है और देखता है कि कैसे वो पिंक क्रीचर गायब है। पता चलता है कि पास ही एक कबीला रहता है जो कि पिंक क्रीचर को उठाकर ले गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये उनके गॉड का एक रूप है। बाकी सारे लोग अब पिंक क्रीचर को बचाने के लिए जाते हैं तो वो भी पकड़े जाते हैं और यहाँ पर वो पिंक क्रीचर खुद को गॉड की तरह साबित करता है और इन लोगों को छुड़वा लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन मंकीज के अलावा यहाँ पर एक ब्लैक शैडो भी इनको फॉलो कर रहा है। इसके बाद ये लोग कबीले के ओनर और उसकी बेटी से मिलते हैं जहाँ पर वो बताता है कि मैं थोड़ा बहुत जादू जानता हूँ और इसके साथ ही वो बताता है कि कैसे मंकी क्वीन नहीं चाहती कि ये लोग जादूगर तक पहुँचे और ऐसे ही इनके रास्ते को मुश्किल बनाती रहेगी। साथ ही वो बताता है कि कैसे पिंक क्रीचर जो उनका गॉड है इसको ये लोग मार कर हेवन तक पहुंचाना चाहते हैं। ये सारी बात सुनकर सावा जाता है पिंक क्रीचर को समझाने के लिए कि तुम्हें हमारे साथ आना होगा, यहाँ पर ये लोग तुम्हें मार देंगे। पर इस पर तो गॉड बनने का भूत सवार था, इसीलिए बाकी सारे लोगों को इसको किडनैप करना पड़ा।
ताकि उसकी जान बचाई जा सके। इसके बाद ये लोग थोड़ी ही दूर जाते हैं कि इनको लगता है कि इनको कोई फॉलो कर रहा है। पता चलता है कि ये नैंटी है। नैंटी उस कबीले के ओनर की बेटी थी जो कि बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी सावा से और वो भी इनके साथ आना चाहती थी। अब रात होती है और यहाँ पर नैंटी देखती है कि कैसे व्हाइट वुल्फ दोबारा से एक रिकी में चेंज हो गया है। रिकी वो ही था जो कि इंसानों को पसंद नहीं करता था। इसके साथ ही मंकी क्वीन का एक जासूस भी ये सब देख लेता है और जाकर मंकी क्वीन को बताता है, जिसके बाद मंकी क्वीन को गुस्सा आता है कि अगर ऐसे ही सारे रिकीज दोबारा से व्हाइट वुल्फ में चेंज हो गए तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मंकी क्वीन सारे इंसानों को पकड़कर अपना गुलाम बनाती थी, तो अगर ऐसे ही दोबारा से व्हाइट वुल्फ आ गए तो वो तो इंसानों को दोबारा से प्रोटेक्ट करेंगे और इसके गुलाम कम हो जाएंगे। जिसके बाद वो सारे मंकी से कहती है कि हमें सारे जाकर रिकीज को मारना होगा ताकि ये व्हाइट वुल्फ वाली कहानी ही खत्म हो जाए। दूसरी तरफ नैंटी सावा को बताती है कि कैसे व्हाइट वुल्फ हमारा एंगी एक रिकी है, पर सावा उसकी बात नहीं मानता। यहाँ पर एंगी आता है और सावा से कहता है कि नैंटी सच बोल रही है, पर वो आगे कुछ कहता इससे पहले ही सावा वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। सावा यहाँ से थोड़ा ही दूर गया था कि एंगी के फादर का भेजा हुआ एक रिकी उसे किडनैप करने लगता है। यहाँ पर एंगी व्हाइट वुल्फ से रिकी में चेंज होता है ताकि सावा को बचा सके, पर वो नाकाम रहता है, जिसके बाद सावा तो किडनैप हो ही जाता है। अब एंगी जाता है अपने फादर के पास ताकि वो सावा को किसी तरीके से बचा सके। एंगी के फादर उसे कहते हैं कि मैंने उसको किडनैप ही सिर्फ इसलिए किया था ताकि तुम मेरे पास वापस आ सको। यहाँ पर एंगी उसे कहता है कि मैं उस जादूगर के पास जाना चाहता हूँ ताकि वो हमारा कर्ज खत्म कर दे और हम फिर से व्हाइट वुल्फ में चेंज हो जाएं। पर उसके डैड उसे कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसे ही एक रिकी बनकर खुश हूँ। एंगी के फादर सावा को छोड़ देते हैं, जिसके बाद एंगी सावा को लेकर दोबारा से अपने ग्रुप तक जाता है और यहाँ पर वो अपनी कहानी इन सब लोगों को बताता है कि कैसे वैसे तो व्हाइट वुल्फ लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, पर एक दफा ऐसा टाइम आया था कि हर तरफ बहुत ही ज्यादा जानवर मर चुके थे और इनके खाने का कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा था, और इसी वजह से उसके फादर ने भूख की वजह से एक इंसान पर हमला कर दिया और एक जादूगर ने सिर्फ इसी वजह से उनको कर्ज करके रिकीज में चेंज कर दिया। वैसे तो रिकीज बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे इसलिए उनको एक वीकनेस भी दी थी, जो कि सिर्फ ये थी कि जंगल में सबसे छोटे जानवर या कीड़े यानी कि एक मच्छर से काट कर वो मर सकते हैं। यहाँ पर मंकी क्वीन के जासूस ये सारी बातें सुन लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि कैसे एक मच्छर की बाइट से ये मर भी सकते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैसे मंकी क्वीन की सारी आर्मी पहुंच रही है रिकीज की तरफ उनको खत्म करने के लिए। एंकी इनको ये भी बताता है कि कैसे कबीले के ओनर ने अपने जादू से इनको थोड़ा सा बेहतर कर दिया था, कि सिर्फ एंगी खुद को जब मर्जी दिल चाहे एक व्हाइट वुल्फ में चेंज कर सकता था, यहाँ के एक रिकी में भी चेंज हो सकता था। अब जब ये सब देखते हैं कि कैसे मंकी क्वीन की आर्मी आगे जा रही है तो ये समझ आते हैं कि इनको हेल्प की जरूरत होगी, जिसके बाद नैंटी अपने मैजिक से अपने फादर तक पैगाम पहुंचाती है कि इनको हेल्प की जरूरत है। इसके साथ ही वो सावा की वुडन सॉर्ड को भी एक रियल सॉर्ड में चेंज कर देती है। थोड़ी ही देर के बाद नैंटी का भेजा हुआ पैगाम उसके डैड तक पहुंच जाता है और वहां पर वो अपने कबीले की आर्मी लेकर यहां तक पहुंच जाते हैं। एंगी ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, पर उसे पता था अभी ये लोग बहुत कम है मंकी आर्मी को हराने के लिए। जिसके थोड़ी ही देर बाद एंगी के फादर पहुंच जाते हैं अपनी आर्मी के साथ, जिसमें सारे रिकीज थे, ताकि इनकी मदद हो सके। इसके अलावा एंगी के फादर एक ड्रैगन के पास जाते हैं जो कि उनका अपना पेट था, और उसे उठाते हैं ताकि इस लड़ाई में मदद मिल सके। इसके बाद इनकी एक बहुत ही अमेजिंग किस्म की लड़ाई होती है, जिसमें सावा और बाकी सब बहुत ही अच्छे से लड़ते हैं। यहाँ पर जब मंकी क्वीन देखती है कि ड्रैगन के ऊपर बैठा एक रिकी आ रहा है, तो वो समझ आती है कि ऐसे तो हम सब हार जाएंगे। जिसके बाद वो अपनी फौज के एक आदमी को कहती है कि अपना सीक्रेट वेपन ले आए, और ये कोई और नहीं बल्कि मच्छरों की एक फौज थी। इस मॉस्किटो फौज को आता देखकर सारे रिकीज बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि सिर्फ मच्छर ही हैं जो कि उनको मार सकते हैं, और इसी डर की वजह से बाकी सारी मंकीज की फौज उन पर हावी हो जाती है। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि मच्छर किंग बताता है उस अगली क्रीचर को कि मैं इनको रोक सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे यहाँ से जाना होगा और उसके लिए हमें एक बात पर एग्री करना होगा, और फिर ऐसा ही होता है। ये लोग एक बात पर एग्री करते हैं, जिसके बाद मच्छर किंग फ्री हो जाता है। वो जाकर बाकी सारी मॉस्किटो से कहता है कि अब तुम लोगों ने रिकीज की बजाय इन मंकीज पर हमला करना है, और वो लोग उसकी बात मान जाते हैं। इसके बाद ये सारे मच्छर उन मंकीज पर हमला करते हैं। साथ ही एंगी के फादर ड्रैगन पर बैठे हुए
मंकी क्वीन को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद ये सारे लोग उस माउंटेन के टॉप पर एक घर बना था वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो घर था उस जादूगर का। यहाँ पर ये घर दो टांगों पर चल रहा था, तो यहाँ पर जब वो उठता है तो उनको अंदर जाने की एंट्रेंस मिलती है। जिसके बाद जब ये सारे लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटी सी लड़की है जो कि वो ही जादूगर थी। इसके बाद वो एक एक करके सबकी हेल्प करती है। सबसे पहले तो वो उस अगली क्रीचर को एक प्रिंस में चेंज कर देती है। इसके बाद जब पिंक क्रीचर की बारी आती है तो वो कहता है कि उसने सबसे झूठ बोला था, वो कोई प्रिंस नहीं, वो तो सिर्फ अच्छे दोस्त चाहता था और वो अब उसे मिल गए हैं। अब इसके बाद सावा उसे कहता है कि मुझे उस वॉरियर से मिलना है जो कि बाकी सारे गांव को बचा सके। जिसके बाद वो लड़की उसे एक रूम में लेकर जाती है। सावा के आगे एक मिरर लगा था जिसको देखते साथ ही वो समझ आता है कि वो खुद वो वॉरियर है जो कि अपने गांव को बचा सकता है। पिंक क्रीचर ने यहाँ पर उस लड़की से एक सीक्रेट विश मांगी थी जो कि हमें आगे चलकर पता चलेगी। अब इसके बाद यहाँ पर सावा बाकी सारे लोगों के साथ बाहर निकलता है तो व्हाइट वुल्व्स उसका वेट कर रहे थे। जिसके बाद ये व्हाइट वुल्व्स हेल्प करते हैं इनको गांव तक पहुँचाने में, जहाँ पर हाइनाज ने सारे लोगों को पकड़ा हुआ था। अब यहाँ पर सावा अकेले ही उस हाइना लीडर का मुकाबला करता है, जिसके बाद वो उसको इतने बुरे तरीके से जख्मी करता है कि वो डर जाता है और बाकी सारे लोगों को छोड़ देता है। सावा अपनी मॉम से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है और एक बार फिर से व्हाइट वुल्व्स इनकी प्रोटेक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। उस पिंक क्रीचर की जो विश थी वो ये थी कि मंकी क्वीन को उस कबीले का गॉड बना दिया जाए ताकि उसे मारकर हेवन भेज दिया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वो अगली क्रीचर था, अब ये पिंक क्रीचर भी उसके साथ रहने लगा था और ये दोनों दुनिया घूमते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि नैंटी भी अब सावा के साथ रहने लगी थी और एंगी भी इनके साथ ही वहाँ रहने लग गया था। अब इसके साथ मूवी एंड हो जाती है।